हेलो किड्स एंड देयर पेरेंट्स, आज हमारा सेशन है हिंदी का। हिंदी में हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग करा था, लेकिन ट वर्ग के हमने सिर्फ 3 अक्षर सीखे थे। आज हम 2 अक्षर और सीखेंगे उसके, ठीक है। तो ट अक्षर में हमारे पास कौन कौन से अक्षर हमने कर लिए थे, ट, ठ, ड, ठीक है। अब हमारे पास है ड, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। तो ढ से ढक्कन हम लिखते कैसे हैं, छोटी सी आपने लाइन बनानी है, ठीक है। जैसे ट बनेगा उसी तरीके से आप इसको इस तरीके से बनाएंगे और हल्का सा इसको मोड़ देंगे, ठीक है। क्या बन जाता है, ढ से ढक्कन। क्या बनेगा, ढ से ढक्कन। छोटी सी लाइन बनानी है, फिर इस तरीके से कर्व बनाओगे और इसको अंदर की तरफ मोड़ दोगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, ढ से ढक्कन। अब हमारा ण खाली, ण खाली कैसे बनता है, एक लाइन खींची आपने, ठीक है, फिर आप इस तरीके से ऐसे बना देंगे गोल, ठीक है। ये हो गया ण खाली, ठीक। तो इसको एक बार दोबारा सीख लेते हैं। ढ से ढक्कन कैसे बनेगा, छोटी सी लाइन, फिर ट की तरह आपने ऐसे मोड़ा, कर्व शेप दी और इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ दिया। क्या बन गया, ढ से ढक्कन। अब ण खाली लाइन बनाई, स्टैंडिंग लाइन जिसे बोलते हैं हम, और इस तरीके से ऐसे टर्न कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, ण खाली, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या क्या सीखा अभी तक, एक हमने सीखा क वर्ग, ठीक है, दूसरा च वर्ग और तीसरा ट वर्ग। ये आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। फिर च वर्ग, च वर्ग यानी कि च से शुरू होने वाला, च, छ, ज, झ, ण खाली, ठीक। ट वर्ग, ट में क्या आता है, ट से शुरू होने वाली लाइन, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क वर्ग किसे बोलते हैं, च वर्ग किसे बोलते हैं और ट वर्ग किसे बोलते हैं, ठीक है। तो और ये सारे के सारे क्या है, हमारे व्यंजन, क्या है ये, व्यंजन। तो इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है कि कौन कौन से वर्ग हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।